मेष राशिनुं साप्ताहिक राशिफल नौकरीमां प्रमोशन थई शके छे, वेपारमां करेला प्रयोगो फायदाकारक साबित थशे। मोहनगामी डेली राशिफलनी गुजराती वीकली राशिफल 28 ऑक्टोबर थी 3 नवेम्बर। मेष राशिना जातको माटे साप्ताहिक राशिफल उपाय साथे। मित्रों, अमारी चेनल मां आपनु हार्दिक स्वागत छे। अमारी चेनल पर आपने गुजराती भाषा मां दैनिक राशिफल ना वीडियो जोवा मळशे। जो आपने पसंद होई तो लाइक करी शेर करजो अने अमारी चेनल पर नवा होई तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तमारा एक सब्सक्राइब थी अमने घणु प्रोत्साहन मळे छे। राशिफळनुं आपना जीवनमां खूब महत्व होय छे। राशिफळथी भविष्यमां थनारी घटनाओनो आभास थाय छे। राशिफळनुं निर्माण ग्रह गोचर अने नक्षत्रनी चालना आधार पर करवामां आवे छे। तो आवो जोईए आजनो तमारो दिवस केवो रहेशे। जाणो आपनुं आ अठवाडियुं केवुं रहेशे। कई बाबतोथी थशे आपने फायदो अने कोनाथी रहेवुं दूर। साथे जाणो के क्या कार्योमां थशे प्रगति अने कई बाबतो वधारशे आपनी तकलीफ। आपने क्यां रहेशे सानुकूलता अने क्यां करवो पड़शे झंझावातनो सामनो आवो जाणीए। मेष राशिनुं साप्ताहिक राशिफळ। वेपारमां नवा करार सप्ताहनी शरूआतमां लाभदायी रहेशे। तमने परिवार अने मित्रों तरफथी विशेष सहयोग मळशे, जेना कारणे भरपूर आर्थिक लाभ थशे। जाणो केवो रहेशे तमारुं अठवाडियुं। अठवाडिया दरमियान तमारे शुं राखवुं पड़शे ध्यान। धंधा रोजगारमां थशे नफो के नुकसान। नौकरियात लोको कई बाबतनुं राखशे ध्यान। कोने केटलो थशे धन लाभ अने कई रीते वधशे मां लक्ष्मीनी कृपा। आजे कोई रहेशे तंदुरस्त तो कोई हशे दुखावाथी परेशान। प्रेमी युगलो माटे शुं छे समाचार। केवुं रहेशे तमारुं आजनुं गोचर अने केवी रहेशे तमारा ग्रहोनी आजनी स्थिति। तमारो आजनो लकी नंबर रंग अने अक्षर सहित चालो आ बधुं ज जाणीए आजना तमारा राशिफळमां। मेष राशि ई सप्ताहनी शरूआतमां ग्रहोनुं गोचर तमारा माटे विशेष लाभदायक रहेशे। तमारी केटलीक जूनी योजनाओ पूर्ण थई शके छे। विचारेला कार्योमां तमने सफलता मळशे। स्वजनो तरफथी खुशी अने सहयोग वधशे। लांबा अंतरनी मुसाफरीनी तको मळशे। चालू काममां विविध अवरोधो आवी शके छे। कार्यस्थळ पर वधु ध्यान आपवानी जरूर पड़शे। सहकर्मीओ साथे मळीने काम करवाथी परिस्थिति सुधरशे। विद्यार्थीओए शैक्षणिक अभ्यास पर ध्यान केन्द्रित करवुं जोईए। नौकरीनी शोध पूर्ण थशे। नौकरीमां प्रमोशन थई शके छे। सप्ताहना मध्यमां ग्रह गोचर तमारा माटे थोड़ो तनावपूर्ण बनी शके छे। संघर्ष बाद महत्वपूर्ण कार्योमां सफलता मळवानी संभावना रहेशे। कोईना द्वारा गैरमार्गे दोषो नहीं। तमारी बुद्धि अने विवेकथी काम लो। सामाजिक कार्यो तरफ झोक वधशे। गुप्त दुश्मनोना कावतराथी सावध रहो। तमारी धीरज अने हिम्मत जाळवी राखो। राजकीय क्षेत्र साथे जोड़ायेला लोकोने कोई सारा समाचार मळशे। वेपारमां करेला प्रयोगो फायदाकारक साबित थशे। परिवार अने मित्रोना सहयोगथी नवो उद्योग अथवा व्यवसाय शुरू करवानी योजना पूर्ण थशे। बहुराष्ट्रीय कंपनीओमां प्रमोशन थई शके छे। कार्यस्थळ पर बिनजरूरी दबाण वधी शके छे। संकलित वर्तन जाळवो। अन्य लोको द्वारा गैरमार्गे दोषो नहीं। तमारा काम प्रत्ये समर्पित रह्या। सप्ताहना अंतमां ग्रहोनुं गोचर तमारा माटे लाभ अने प्रगतिनुं कारक बनी रहेशे। कोई जूनी इच्छा पूरी थई शके छे। माता तरफथी विशेष सहयोग मळवाना संकेत छे। सामाजिक सन्मान अने प्रतिष्ठा प्रत्ये सभान रहो। गुस्साथी बचो। पेइंटना व्यवसाय साथे संकळायेला लोकोए तेमनी लागणीओने शांतिथी उकेलवी पड़शे। नौकरीओमां काम करता लोकोनो सरकारी सत्तामां उच्चपद धरावता लोको साथे कदने लईने विवाद थई शके छे। तेथी तमारी वाणी पर नियंत्रण राखो। कोर्टना मामलामां बेदरकारी न राखो। वेपारमां उतावळमां कोई मोटो निर्णय लेवानुं टाळो। शेर लॉटरी दलाली वगैरेना काममां रोकायेला लोकोने विशेष सफलता मळशे। आर्थिक वेपारमां नवा करार सप्ताहनी शरूआतमां लाभदायी रहेशे। तमने परिवार अने मित्रों तरफथी विशेष सहयोग मळशे, जेना कारणे भरपूर आर्थिक लाभ थशे। तमारा संजोगोने ध्यानमां लीधा पछी ज मूडी वगैरेनुं रोकाण करो, अन्यथा नुकसान पण थई शके छे। कोई मोंघी वस्तु खरीदी शको छो। सप्ताहना मध्यमां तमारा संतानी जीवने कारणे तमारे घणा पैसा खर्चवा पड़ी शके छे। समझी विचारीने कार्य करो, अन्यथा तमारे लोन लेवी पड़ी शके छे। धंधामां खर्च पण आवकना बराबर थशे।
कोई जुनूम देवुं चुकवामां सफल थशे। आर्थिक क्षेत्रे करेला केटला प्रयासो सफल थशे। वाहन, जमीन, मकान, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरेना व्यवसायमां रोकायेला लोकोने विशेष आर्थिक लाभ मळशे। सप्ताहना अंतमां पैतृक संपत्तिना भागला अंगे वातचीत थई शके छे, जेना कारणे तमारी संपत्ति अने संपत्तिमां वधारो थशे। पहेलाथी पेंडिंग पैसा मळी शके छे। परिवारमां मेहमानना आगमनथी घर खर्चमां वधारो थशे। तमे जूनुं वाहन खरीदी शको छो। भावनात्मक सप्ताहनी शरूआतमां प्रेम संबंधोमां तमारी लागणीओ पर नियंत्रण राखो, धीरज राखो। तमारो पार्टनर कनी पण बोल्या वगर तमारी इच्छा पूरी करी शके छे, जेना कारणे मन प्रसन्नता थी उठशे। वैवाहिक जीवन मां परिवारना वरिष्ठ सभ्योने लईने विवाद थई शके छे। तमारी वाणी पर नियंत्रण राखो। तमारा जीवनसाथीनी भावनाओने समझो। तमने तमारा सासरियाओ तरफथी कोई शुभ कार्यक्रमनुं आमंत्रण मळी शके छे। परिवारमां नवा सभ्यनुं आगमन थशे। सप्ताहना मध्यमां पारिवारिक समस्याओना कारणे तमे वधु तणाव अनुभवशो। समस्यानो उकेल शोधवानो प्रयास करो। परिवारना कोई पण सभ्यने आकरा शब्दो न बोलो, नहींतर पारिवारिक वातावरण बगड़ी शके छे। तमने पाछळथी पछतावो थशे। लग्न संबंधी काममां आवता अवरोधो दूर थशे। विवाहित जीवनमां प्रेम अने आकर्षण वधशे। तमे तमारा जीवनसाथी साथे गीतो अने संगीतमय मनोरंजन वगैरेनो आनंद माणशो। तमे तमारा माता पिता ने मळी शको छो। सप्ताहना अंतमां मेहमाननुं आगमन परिवारमां खुशीओ लावशे। लव मेरेजनुं प्लानिंग करनारा लोकोने परिवारना सभ्यो तरफथी सकारात्मक संकेत मळी शके छे। तमारा जीवनसाथी पर वधु पड़ती दवानुं दबाण करवानुं टाळो। धीरजथी निर्णयो लो। विवाहित जीवनमां संतान तरफथी तमने खुशी अने सहयोग मळशे। जूनो प्रेम संबंध पति पत्नी वच्चे तणावनुं कारण बनी शके छे, तेथी तमारी क्रियाओने नियंत्रित करो। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओथी पीड़ित दर्दीओने सप्ताहनी शरूआतमां खास समस्याओनो सामनो करवो पड़ी शके छे। अत्यंत ऊंचा के ऊंडा पाणीमां जवानुं टाळो, अन्यथा इजा थई शके छे। माथानो दुखावो, તાવ અને પેટ સંબંધિત રોગો વિશે લોકોને જાગૃત કરો। તમારી દિનચર્યાને શિસ્તબદ્ધ રાખવાનો પ્રયાસ કરો। સાવચેત રહો। સવારે અને સાંજે વોક અને કસરત કરો, તેનાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે। અઠવાડિયાના મધ્યમાં પેટ સંબંધિત રોગો ગંભીર બની શકે છે, જેના કારણે તમારે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડી શકે છે, પરંતુ ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી। તમે જલ્દી સ્વસ્થ થઈને ઘરે પાછા ફરશો। पूर्ती ऊंघ लो। तमारा मनने भटकवा न दो। सप्ताहना अंतमां स्वास्थ्य संबंधित समस्याओ अंगे सावधानी राखो। खास करीने हवामान संबंधित रोगोना किस्सामां बेदरकार न रहो। सप्ताहना अंते तमारुं स्वास्थ्य सामान्य रीते सारुं रहेशे। तमे कार्यस्थल पर शारीरिक थाक अने मानसिक नबळाईनो अनुभव करी शको छो। थोड़ो आराम करो। उपायो। गुरुवारे गुरु यंत्रनी 11 वार हळदरथी पूजा करो। हळदरनी माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रनो 108 वार जाप करो। नोंधहीन आपवामां आवेला उपायोमां बधा ज करवानुं जरूरी नथी। तमारी क्षमता मुजब आपवामां आवेला उपायोमांथी कोई पण एक उपाय अपनावी शको छो। અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી પર અથવા જે તે નિષ્ણાત જ્યોતિષ પાસેથી લેવામાં આવી છે, મોહનગામી બ્લોગ તેની ખરાઈની પુષ્ટિ કરતું નથી। કોઈ પણ સલાહને અનુસરતા પહેલા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી જરૂરી છે। હર હર મહાદેવ।